तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ट्रैक्टर की बात करने वाले हैं जो कि सभी किसान भाइयों के दिल पर छाया हुआ है। यह ट्रैक्टर हमारी स्वराज कंपनी से देखने के लिए मिल जाता है, जिसका नाम है स्वराज 735 XT 4 स्टार। दोस्तों, कंपनी की तरफ से इसके लिए 4 स्टार की रीडिंग मिल चुकी है और यह कंपनी की तरफ से ट्रैक्टर लॉन्च हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस ट्रैक्टर आपके लिए फुल फीचर्स और बताएंगे इसके कुछ अमेजिंग चीज़ें। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 3385 mm की काफ़ी अच्छी लंबाई देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात करें इसकी चौड़ाई की, तो 1730 mm की इस ट्रैक्टर में आपके लिए चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के टोटल वेट की, तो 1930 किलोग्राम का इसमें आपके लिए काफ़ी भारी भरकम ट्रैक्टर देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर व्हील बेस की, तो 1925 mm की इस ट्रैक्टर में काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हैवी व्हील बेस देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें ज़मीन से ऊंचाई की, तो 385 mm की इसमें आपके लिए ज़मीन से ऊंचाई देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। इसमें मिलता है आपका 3 सिलेंडर का इंजन, जो कि 2734 cc की ताकत को जनरेट करता है। बात करें इसकी HP की, तो यह ट्रैक्टर आपके लिए 40 HP कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इसके इंजन रेटेड RPM की, तो 1800 इंजन रेटेड RPM पर यह ट्रैक्टर कार्य करता है। बात करें इसकी PTO की, तो 32.6 की इस ट्रैक्टर में आपके लिए काफ़ी बढ़िया PTO देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, यह स्वराज कंपनी ने काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ ट्रैक्टर लॉन्च किया है और यह ट्रैक्टर आपके लिए स्वराज 742 XT की भांति देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें इसकी बैटरी की, तो 12 वोल्ट 88 AH की इसमें आपके लिए काफ़ी बढ़िया बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। बात करें इसकी सेल्फ मोटर की, तो 2.5 kW का इस ट्रैक्टर में आपके लिए सेल्फ मोटर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गेयरबॉक्स के बारे में। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में आपके लिए मिलते हैं 8 गियर फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर इस ट्रैक्टर में आपके लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें इसकी फॉरवर्ड स्पीड की, तो 28.5 km/h की इस ट्रैक्टर में आपके लिए फॉरवर्ड स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें इसकी रिवर्स स्पीड की, तो 10.50 km/h की इस ट्रैक्टर में आपके लिए रिवर्स स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के RPM की, तो इस ट्रैक्टर में आपके लिए काफ़ी 540 का काफ़ी बढ़िया RPM देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, बात करें इसकी पावर स्टीयरिंग की, तो मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर में आपके लिए प्रोवाइड करा दी गई है। बात करें इसके डीजल टैंक की, तो 45 लीटर का काफ़ी बड़ा इस ट्रैक्टर में आपके लिए डीजल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की। दोस्तों, इस ट्रैक्टर में आपके लिए मिलती है 1200 kg की काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों, बात करें इसकी वारंटी की, तो स्वराज कंपनी इस ट्रैक्टर में आपके लिए 2 साल की वारंटी देती है, यानी स्वराज कंपनी आपके साथ इस ट्रैक्टर के साथ 2 साल तक खड़ी रहेगी। बात करें इसके टायर साइज की, तो इसमें आपके लिए अगला टायर देखने को मिलेगा 6 00 16 का। बात करें इसके बैक टायर की, तो 13 6 28 का इस ट्रैक्टर में आपके लिए बैक टायर देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, इसमें आप 14 28 का बैक टायर भी लगवा सकते हो। अगर बात करें इसके एयर फिल्टर की, तो इस ट्रैक्टर में आपके लिए स्वराज 742 का एयर फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। इस ट्रैक्टर में आपके लिए 2 डीजल कैपेसिटर देखने के लिए मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर में आपके लिए जो ऑयल में जो पानी आता है उसको फिल्टर करने का कैपेसिटर देखने के लिए भी मिल जाता है। दोस्तों, बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट पर वो इसमें आपके लिए डबल हैलोजन लाइट देखने के लिए मिल जाती है और नीचे आपके नीले कलर में स्वराज का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, जो कि व्हाइट कलर की जाली के ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसके आगे बम्पर भी लगवा सकते हो, जिससे ट्रैक्टर की और खासियत अच्छी लगेगा देखने में। तो दोस्तों, यह थी कुछ इस ट्रैक्टर में जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको और कुछ पूछना हो तो हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।